all my eyes on the target. ओके तो पिक्सेल लेप में आने के बाद जो है आपने ऊपर थ्री डॉट में आ जाना है, और यहाँ से आपने आ जाना है इमेज साइज़ में। इमेज साइज़ में आने के बाद जो है आपने जो इमेज का साइज़ होगा इसको 1280 से आपने कर लेना है 1480 पे। तो यहाँ पे आपने इसको 14 कर लेना है। ओके तो इसको यहाँ से सिंपली आपने डन करना है। देन उसके बाद जो है आपने आ जाना है बैकग्राउंड के कलर में। बैकग्राउंड के कलर में आने के बाद यहाँ पे कलर आपने कुछ इस तरह से सेट कर लेने हैं। यहाँ पे आपको ये कलर मिल जाएगा एक, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली जो प्लस वाले आइकन में आ जाना है, और इसको आपने यहाँ पे एडिट करना है। इसका जो डार्क कलर होगा इसको आपने लेफ्ट साइड में ले आना है, और उसके बाद जो आपने इसके कलर में आ जाना है यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में, और उसके बाद जो आपने इसको चेंज कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ये कलर यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपने इसको ओके करना है, और अब जो है आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी है। इसकी डुप्लीकेट बना ली, उसके बाद जो ये कॉर्नर वाला कलर होगा इसको आपने माइनस कर लेना है यहाँ से, और इसको आपने एक कॉर्नर में ले आना है, और उसका कलर जो होगा आपने बिल्कुल जो है लाइट टाइप का कर लेना है कुछ इस तरह से। देन इसको आप यहाँ से सिंपली ओके करना है आपने, और ओके तो अब सही है, इसको सिंपली ओके करना है। और उसके बाद जो आपने आ जाना है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ शेप्स वाले ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ से आपने लेनी है एक कुछ इस टाइप की शेप, और इसको आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से एडिट करना है। देन उसके बाद जो इसका रेडियस होगा इसको आपने कर लेना है 15 से 16 पे कुछ इस तरह से, 16 कर लेता हूँ मैं, तो इसको 16 कर लेता हूँ यहाँ से मैं। और उसके बाद जो आपने नीचे इसके कलर में आ जाना है, तो यहाँ पे जो कलर आपने सेट करना है आपने सिंपली प्लस वाले आइकन में आ जाना है, और प्लस वाले आइकन में आने के बाद आपने ऊपर ये कलर वाला टूल जो है इस पर आ जाना है, और यहाँ से आपने इसके ये जो आपके बैकग्राउंड में लाइट कलर है सिंपली आपने ये सिलेक्ट करना है। तो ये कलर जो मैंने यहाँ पे ले लिया है, और ये लेने के बाद जो आपने इसको सिंपली ओके कर लेना है। देन उसके बाद जो आपने नीचे इसके शेडो में आ जाना है, और इसके शेडो जो होगा वो आपने ऑन कर लेना है, ये ऑन करना है। उसके बाद इसका ऑफसेट 5 होगा, इसको आपने प्लस 5 पे कर लेना है। ओके तो यहाँ पे इसको 5 पे कर लेना है। उसके बाद जो आपने इसका कलर होगा वो आपने प्लस वाले आइकन में आ जाना है, और उसके जो ब्लैक कलर होगा आपने इसको बिल्कुल जो है कुछ इस तरह से लाइट कर लेना है। देन उसको सिंपली हम यहाँ से ओके करते हैं। उसके बाद जो आपने आ जाना है यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन में, और यहाँ से एक PNG होगा मैसेंजर वाला या मैसेज वाला जो भी बोल रहे हैं आप उसको, तो सिंपली आपने ये ऐड करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और ये आपको जो है गूगल पे भी मिल जाएगा, सिंपली आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऐड करते हुए मैं आप इसको इस तरह से क्रॉप कर लूँगा, और इसके इसका जो साइज़ होगा वो बिल्कुल यहाँ पे मैं डिक्रीज कर लूँगा कुछ इस तरह से। तो इस PNG को जो है आपने अपनी शेप में एक कॉर्नर में जो अच्छी तरह से सेट कर लेना है, और इसको सेट करने के बाद जो आपने सिंपली इसको ओके करना है। देन उसके बाद जो टेक्स्ट में आ जाना है, और इसको यहाँ पे मैं एडिट कर लेना है आपने कुछ इस तरह से, और इसका जो कलर होगा वो आपने ग्रे टाइप का कर लेना है। ओके तो यहाँ पे इसका कलर जो मैंने ग्रे कर लिया। उसके बाद जो आपने इसके फॉन्ट में आ जाना है, और यहाँ पे आपने जो आपके पिक्सेल लैब के अपने बेसिक फॉन्ट होंगे उसमें से आपने ये वाला फॉन्ट जो है ले लेना है। ये लेने के बाद जो आपने इसका साइज़ होगा बिल्कुल इस तरह से डिक्रीज़ कर देना है, और इसको आपने यहाँ पे एक अपनी जो शेप होगी जो आपका PNG है उसके सेंटर में सेट कर लेना है। देन उसके बाद जो मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाऊँगा, और उसको भी यहाँ पे मैं एडिट करके साइड में लगा लूँगा। अगेन आपने टेक्स्ट में आना है, और यहाँ पे मैं एडिट कर लूँगा जो भी मेरे पेज का नाम है वो सिंपली यहाँ पे मैं एडिट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और इसमें भी जो है आपने कोई सा भी बेसिक फ़ोन जो यूज़ कर लेना है,
लाइक इस तरह का। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ तक जो है मैंने इसको एडिट कर लिया, उसके बाद जो यहाँ पे मैंने एक पोइट्री जो कि कॉपी करके रखी, सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो मैं इसके फ़ोन में आ जाता हूँ, इसमें मैं जो है उर्दू वाला फ़ोन यूज़ करूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। नहीं तो मैं इसकी एक जिप फाइल बना लूँगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। तो सिंपली आपने ये फ़ोन जो है इसमें यूज़ कर लेना है। मैं 4 से 5 फ़ोन की जो है जिप फाइल बना दूँगा, और उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से जाके उस जिप को जो है डाउनलोड कर लेना है। उसके अलावा आप चाहें तो इसमें कोई इमोजी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लाइक इस तरह। तो यहाँ पे हमारी जो एडिटिंग है बिल्कुल रेडी। सिंपली आपने इसको जो है सेव कर लेना है, और इसको सेव करते हुए आपने जो है यहाँ कस्टम से अल्ट्रा पे कर लेना है, अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी करना है। उसके बाद जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं। जस्ट आपने एक बार इसको जो है सेव कर लेना है, उसके बाद आप जितने कलर इसमें चाहें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ अपनी पोइट्री, और जो हमारा PNG था मैसेज वाला, सिंपली उसको मैंने हाइड कर लिया है, और उसको आपने यहाँ से सिंपली अल्ट्रा करके सेव कर लेना है। ओके, ये सेव करने के बाद जो अगेन मैं इस वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं इन सब लेयर को जो है हाइड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपने यहाँ पे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ से आपने देना है फ्रॉम गैलरी में। आने के बाद जो अभी आपने बैकग्राउंड जो सेव किया था, सिंपली उसको यहाँ पे ऐड करना है कुछ इस तरह से। तो ये ऐड करने के बाद जो आपने लास्ट वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ से आपने इस वाले ऑप्शन में आ जाना है। और यहाँ पे आप जैसे जैसे इसको चेंज करेंगे, आपके बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ से आप कोई सा भी कलर जो है ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कलर जो है ले लेता हूँ। उसके बाद जो मैं इस वाले ऑप्शन में आता हूँ, और यहाँ पे जो मैंने अपनी पोइट्री हाइड की थी, सिंपली उसको मैं शो कर लेता हूँ। और उसके बाद जो हमारा मैसेज वाला PNG होगा, उसको भी मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे पोइट्री जो होगी वो आप एडिट भी कर सकते हैं, अगर मतलब एडिट करके दूसरी पोस्ट बनाना चाहें। तो आज वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।